नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। जैसे कि आप जानते हैं, भारत में कई त्योहार, कई पर्व मनाए जाते हैं और हाल ही में हम मनाएंगे हमारा 70वां गणतंत्र दिवस। इन्हीं अवसरों पर कंपनियां डिस्काउंटेड स्कीम्स लेके आती हैं। हम बात कर रहे हैं इस बार फ्लिपकार्ट की, जिसपे मोबाइल्स पर डिस्काउंट मिलेगा। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मोबाइल्स जो 10,000 तक की रेंज में है, उनपे कितना डिस्काउंट है और उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, ताकि आप अपने मनपसंद मोबाइल का चयन कर सकें। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आने पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लस बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। इसी बात पे चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे लेफ्ट में रहेंगी स्पेसिफिकेशंस, उसके बाद प्राइस एंड फोन का पिक्चर। बॉटम राइट हैंड साइड में आप सेंसर्स देख सकते हैं, वीडियो कैपेबिलिटी देख सकते हैं और ये भी कि पोर्ट्रेट मोड बोथ फ्रंट एंड बैक कैमरा में है या नहीं। नोटिफिकेशन लाइट के बारे में भी कवर किया है हमने। तो चलिए शुरू करते हैं रियलमी C1 के साथ। रियलमी C1 आता है स्नैपड्रैगन 450 के साथ, जो कि 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक है। ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और GPU एड्रिनो 506 दिया गया है। एंड्रॉयड 8.1 है एंड UI इसका कलर OIS दिया गया है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें फेस अनलॉक तो है, लेकिन फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें बेहतरीन बैटरी आती है, जो कि 4230 mAh की है, पर फास्ट चार्जिंग नहीं है। कैमरा रियर में 13 MP और 2 MP का है, फ्रंट का 5 MP का कैमरा दिया गया है। इसकी जो अदर स्पेसिफिकेशंस है वो, इसमें हेडफोन जैक है, इसमें 4G है, वोल्टी है, FM भी दिया गया है। प्राइस की बात करते हैं, 7499 इसका करंट प्राइस रखा गया है। सेल पे ये आपको 6999 का मिलेगा। अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं तो आप 699 90 पैसे का और डिस्काउंट पा सकते हैं। तो आपको फाइनल प्राइस रहेगा 6299.10। तो आपकी कुल सेविंग रहेगी 1190 रुपये अगर आपके पास SBI का कार्ड है। अगले फ़ोन की तरफ चलते हैं, जो कि है लेनोवो K9। इसी प्रकार से लेनोवो K9 आता है मीडियाटेक P22 प्रोसेसर के साथ, जो कि 2 GHz पे क्लॉक है। ये भी ऑक्टा कोर प्रोसेस है। GPU इसका है पावर VRGE 8320 और ये एंड्रॉयड 8.1 पे है, जिसमें यूजर इंटरफेस लेनोवो ZenUI है। बात करें तो इसकी बैटरी की, जो ठीक ठाक सी है, 3000 mAh की है। रैम 3GB है, स्टोरेज 32/256 तक एक्सपैंड होता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है। सिक्योरिटी में ये बढ़िया है, इसमें दोनों फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेंगे। कैमरा रियर और फ्रंट दोनों में 2 हैं, जो कि 13 पिक्सल और 5 पिक्सल का है। चार्जिंग पोर्ट इसका Type-C रखा गया है और ये गोरिल्ला ग्लास 3 के साथ लेस है। सेंसर्स इसमें आपको 3 ही मिलेंगे, जो कि लाइट, एक्सेलरेटर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। वीडियो 1080p बन जाती है, पोर्ट्रेट मोड फ्रंट बैक दोनों में है, LED नोटिफिकेशन लाइट भी है। इसकी प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस है इसका 8,999, सेल पे 7,999 का मिल रहा है और SBI कार्ड यूजर्स के लिए डिस्काउंट और भी हो जाएगा, जो कि 799 रुपये 90 पैसे का रहेगा। तो कुल मिला के अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं, आपको 7,199 रुपये 10 पैसे का पड़ेगा, जबकि आपकी टोटल सेविंग रहेगी 1,799 रुपये 90 पैसे। अगला फ़ोन देखते हैं, जो कि है ASUS का। अगला फ़ोन हमारा ASUS का ZenFone Max M2 है। ASUS का ZenFone Max 2 बहुत ही बढ़िया स्नैपड्रैगन 632 प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि 1.8 GHz पर क्लॉक्ड है और ये क्वाड कोर प्रोसेस है। GPU एड्रिनो 506 है और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें स्टॉक एंड्रॉयड आपको मिलेगा। इसमें दोनों ही फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिए गए हैं। रैम 3GB है, स्टोरेज 32, जो कि 2TB तक एक्सपेंड की जा सकती है। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट भी दिया जाता है। बैटरी भी बहुत बेहतरीन है, 4000 mAh की, पर इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है। गोरिल्ला ग्लास की स्पेसिफिकेशन हमें थोड़ा सा डाउट था, इसलिए हमने नहीं कैप्चर किया। कैमरा पे आते हैं, जो कि 13 MP का है, 1.8 अपर्चर और 2 MP का, जो कि डेप्थ सेंसर का काम करेगा। फ्रंट में आपको 8 MP का कैमरा दिया है। ये 4G है, वोल्टी, FM और 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ आता है। सेंसर इसमें आपको सभी मिलेंगे, 4K वीडियो भी बन सकती है, 1080p पर EIS भी काम करता है। पोर्ट्रेट बहुत फ्रंट और बैक में है, LED नोटिफिकेशन भी प्रेजेंट है। ये एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपकी रेंज 10,000 में है और इसका करंट प्राइस है 9,999, सेल पे आपको ये 9,499 का मिलेगा। अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस के बाद 8549.10 रुपये का मिलेगा। आपकी कुल सेविंग रहेगी 1,449.90 रुपये। अगला फ़ोन जो हम कवर करेंगे वो है Realme 2। जी हाँ, ये भी स्नैपड्रैगन 450 के आता है, पर इस प्राइस रेंज पे हमने देखा हमारे पास जिस तरह से ASUS ZenFone Max M2 में 632 था, तो ये थोड़ा सा फीका पड़ जाता है उसके आगे। पर हाँ, इसकी स्पेसिफिकेशंस लगभग Realme C1 जैसी हैं। फ़र्क आता है रैम में, जो कि 3GB है, स्टोरेज 32 और इसमें ट्रिपल स्लॉट
सिम का दिया गया है। बैटरी 4230 है, फास्ट चार्जिंग नहीं है। कैमरा 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का रियर में दिया है, फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का है। 4G वोल्टी और 3.5 हेडफोन जैक के साथ ये आता है। सेंसर्स इसमें लगभग सभी हैं, इसमें LED नोटिफिकेशन नहीं है और हाँ इसमें FM भी नहीं है। आप इसमें 1080p तक की वीडियोज़ बना सकते हैं। इसका प्राइस है 9499 रुपये, आपको सेल में भी सेम प्राइस पर ही मिल रहा है। SPI का डिस्काउंट आपको फ़ायदा रहेगा जो कि 949.90 रुपये का रहेगा। डिस्काउंट के बाद आपको प्राइस रहेगी 8549.10 रुपये। ये था Realme 2। अगला फ़ोन हमारी लिस्ट में है वो है Nokia 5.1 प्लस। चलिए देखते हैं क्या खास है उसमें। Nokia 5.1 बहुत ही बेहतरीन MediaTek P60 के साथ आता है जो कि 1.8 GHz पे क्लॉक है। ये ऑक्टाकोर प्रोसेस है और इसका GPU है Mali-G72। इसमें स्टॉक एंड्रॉयड आपको दिया जाता है। इसमें फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर, रैम 3GB, स्टोरेज 32 जो कि 400GB तक बढ़ाई जा सकती है। सिम कार्ड स्लॉट हाइब्रिड दिया गया है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। बैटरी 3060mAh की और इसका चार्जिंग पोर्ट टाइप सी दिया गया है। अब अगर इसके कैमरा की बात करें तो रियर में 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का। 4G वोल्टी, FM, 3.5 हेडफोन जैक इसमें सब है। सेंसर भी सभी हैं, आप 1080p पे पिक्चर बना सकते हैं जिसमें EIS इनेबल किया जा सकता है। इसमें आपको पोर्ट्रेट बोथ फ्रंट और बैक कैमरा में मिलेगा। इसमें LED नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आइए इसकी प्राइस पे एक बार नज़र डालते हैं। इसकी करंट प्राइस है 10,990, आपको सेल पे 9,999 रुपये का मिलेगा। अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं तो आप 999.90 रुपये का और डिस्काउंट पा पाएंगे। डिस्काउंट के बाद आपको इसकी प्राइस पड़ेगी 8,999.10 रुपये। सो आपकी कुल सेविंग रहेगी 1990.90 रुपये। अगर आप नोकिया के फ़ैन हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, अगर आपको नोकिया ही पसंद है। ये रियलमी का रियलमी 2 है। हमने पहले इससे 3GB का वर्जन कवर किया था, ये 4GB वर्जन है। इसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि रैम 3GB की जगह 4GB है, स्टोरेज 32 की जगह 64GB है, बाकी सब स्पेसिफिकेशन सेम है। प्राइस 10,990, सेल प्राइस भी सेम। SBI डिस्काउंट 1,099 रुपये का, डिस्काउंटेड प्राइस के बाद आपको ये 9,891 रुपये का पड़ेगा। अगला फ़ोन हमारा है Asus का Zenfone Max M2। ये 4GB वाला वर्जन है, हमने हाल ही में 3GB का वर्जन कवर किया है। दोनों में फ़र्क इतना है कि इसमें रैम आपको 4GB मिलेगी और स्टोरेज 64GB। उसके अलावा दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। इसका करंट प्राइस है 11,999, उस प्राइस में कोई अंतर नहीं है, वही आपका सेल प्राइस रखा गया है। और SBI डिस्काउंट आपको मिलेगा 1,199.90 रुपये का। तो डिस्काउंटेड प्राइस अगर आप SBI कार्ड होल्डर हैं तो 10,799.10 रुपये का रहेगा। तो आपकी कुल सेविंग रहेगी 1,199.90 रुपये। इसमें सभी सेंसर मिलेंगे और जैसे कि हमने पहले बताया 4K वीडियो बन सकती है, 1080p पे EIS चलता है और बोथ फ्रंट और बैक पे आपको पोर्ट्रेट मोड मिलेगा। LED नोटिफिकेशन भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये था एक वीडियो उन फोन पे जो कि 10,000 तक की रेंज में है, Flipkart पे जिन पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई गलती या कमी पेशी रह गई हो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं और हम कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में उन पे ध्यान दिया जाए। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हम जल्द ही 10,000 से 20,000 के फोन की वीडियो के साथ भी वापस आएंगे। इस नोट पे मैं फिर से एक बार आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जरूर लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि ये हमारे लिए फ्यूल है, हमारे लिए मोटिवेशन है और इसी के थ्रू हम और मेहनत करके और भी वीडियो ला पाएंगे। आप हरजोत से बात कर रहे थे, धन्यवाद, जय हिंद।